हाय गाइस, वेलकम टू एमसा फार्म एक्वाफोनिक्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सीड से आप प्लांट्स जब जर्मिनेट करते हैं तो आप घर के अंदर इंडोर लाइट्स के अंदर कैसे कर सकते हो। ये जो पार्टी कप रहता है, ये पार्टी कप लिया है, इसको नीचे से होल्स मारे यहाँ से। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ही कम पैसों में आप कर सकते हो। तो ये मैंने होल्स मारे यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, कप्स के अंदर कोकोपीट भरना है। कोकोपीट आपको सबको पता ही रहेगा, अगर पता नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। कोकोपीट के नाम से आपको कोको का क्यूब मिलेगा, उसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको डायलूट करना है। उसके बाद ये पूरा ओपन हो जाएगा, बेसिकली कॉम्प्रेस्ड रहता है क्यूब। तो उसके बाद वो, अगर मान लो 1 किलो का क्यूब है कोकोपीट का, तो 1 किलो का लगभग 2.5 से 3 किलो, 3 किलो तक हो जाएगा आराम से, तो फैल जाता है पानी डालने के बाद। तो ये मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये कोकोपीट है। तो इसके बाद क्या करना है, ये मैंने ट्रे लिया है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये ट्रे लिया है, और इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे होल मार दिया इसे हल्का सा। ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए दोस्तों, 2 या 3 mm ही होना चाहिए होल। और ये होल मारने के बाद इसके अंदर मैंने सीड डाल दिया। जो भी आपको सीड डालना है, लिपी डालना है, वेजी डालना है, जो भी डालना है आप डाल सकते हो। इसके बाद इसको मैंने 4 से 5 दिन के लिए अंधेरे में रखा है। 3 दिन आप रख दिया तो भी चलेगा, 3 दिन अंधेरे में, 3 दिन में ही उसको स्प्राउटिंग आ जाएगा। स्प्राउटिंग आने के बाद उसको आपको लाइट्स के अंदर रखना है, जो मैं अभी दिखाता हूँ। मेरा स्प्राउटिंग आ गया है, उसके बाद प्लांट्स भी रेडी हो गया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ ताकि हम लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो जाए। ये देखो, ये अभी मेरा प्लांट आ गया है, इतना खूबसूरत दिख रहा है। देखो 2 लीव्स आया, इसके बाद बीच का जो आपको लीव्स दिख रहा है वो ट्रू लीव्स है, मतलब मेन लीव है। ये मेन लीव जब भी और बड़ा हो जाएगा तभी मैं उसको अपने सिस्टम में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो इतने सुंदर तरीके से आप घर के अंदर उगा सकते हो। तो ये मैंने कैसे रखा है अभी आपको बताता हूँ, कैसे बनाया है इसको। तो ये ट्रे है, इसको मैंने साइड से ऐसा पाइप बंधा हुआ है, पाइप लगे हुए, और यहाँ पे रोप बंधा हुआ है, वो भी बता दूँ क्यों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रे है, आप कोई भी ट्रे ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही ट्रे चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आपने ऐसा लिया है और कहाँ से लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ट्रे मार्केट में जाओ, प्लास्टिक का ट्रे उठाओ, कोई भी ट्रे चलेगा। उसको साइड में सपोर्ट देने के लिए ऐसा अगर आप नहीं बना पाओगे तो आप बाम्बू का भी बना सकते हो, बाम्बू का लो और बाम्बू का चार लेके उसको बांध दो। तो अभी ये किसके लिए बना है पहले दिखाता हूँ। जैसे आपको अभी दिखाया मैंने, ये प्लांट रेडी हो गया है, तो प्लांट ये सारे मैंने सारे प्लांट यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो ये अभी मैंने 12 कप में प्लांट ट्रांसप्लांट किए थे, तो अभी जर्मिनेट हो गए। तो ये होने के बाद ये मैंने रख दिया ट्रे में। क्यों रखना है, क्योंकि मैं अभी ऊपर से पानी इसको नहीं डालूंगा, मैं नीचे से ही पानी डालता हूँ। ट्रे के अंदर पानी डालना है, कभी ऊपर से नहीं डालना, क्योंकि प्लांट जो रहते हैं, बेबी प्लांट रहते हैं, बहुत ये सेंसिटिव रहते हैं। थोड़ा भी पानी का एक ड्रॉप भी गिर गया तो पूरा मुरझा जाते हैं, नीचे गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। उससे अच्छा आप नीचे डाल दो पानी, तो पानी कोकोपीट जब भी गीला होगा तभी ऑटोमेटिकली सक कर लेगा। तो ये जो है, इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर मैं लाइटिंग के लिए सिस्टम बिठाऊंगा। लाइटिंग का सिस्टम है, पहले अभी वो कैसे बताता हूँ मैं आपको, कैसे मैंने बनाया। ये देखो, ये एक प्लास्टिक का शीट लिया है मैंने, ये देखो वैसे इसके अंदर हल्का सा गैप है। बेसिकली ये बहुत हल्का है, हल्का वाला प्लास्टिक शीट लेना है, या फिर आप प्लाई भी ले सकते हो, हल्का प्लाई भी ले सकते हो, या फिर थर्माकोल अगर मिल रहा है तो थर्माकोल का ये भी ले सकते हो। इसको ऊपर मैंने LED फिट किया है, ये नॉर्मल LED है, वाइट वाला LED है। ऐसा कोई भी अलग स्पेशल ग्रो लाइट के लिए मैंने LED यूज़ नहीं किया है, कि ब्लू एंड रेड का स्पेक्ट्रम का यूज़ करके जो पिंक लाइट आता है उसका कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है। कि नॉर्मल तरीके से वाइट LED में अंदर आप घर के अंदर कम पैसों में कैसे आप उसको उगा सकते हो, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। कि LED मैंने नॉर्मल LED है, आप जब भी लाइट परचेस करोगे तो उसका पावर वैल्यू कितना है वो आपको चेक करना है। पावर वैल्यू आप कैसे चेक करोगे, कि आपका मोबाइल अगर एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल का हो, उसके अंदर आप पावर मीटर डाल दो, लाइट मीटर करके। उसमें लाइट मीटर लक्स का एक आएगा आपको, लक्स मीटर, तो लक्स में आप कैलकुलेट कर लो। जैसे आप इसको ऑन करोगे तभी इसका लक्स वैल्यू कितना है, तो लगभग 3.5-4 हज़ार मिनिमम लक्स वैल्यू चाहिए इसका।
आप तो इतना क्लोजर आपको जाना है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको चेक। अभी ये मैंने बनाया है तो मैंने कनेक्शन कैसा लिया है वो भी दिखा देता हूँ आपको। कनेक्शन इसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ऐसा घूम के गया है, ये ऐसा और फिर ऐसा, ये एंड वाला भी मैंने इसको कलेक्ट किया है। और इसमें जो मेन खेल जो रहता है दोस्तों वो एडाप्टर का रहता है। तो आप एडाप्टर 5 एम्पियर वाला 12 वोल्ट वाला मैंने लगाया है इसमें छोटे स्ट्रिप के लिए। तो जितना ज़्यादा एम्पियर का आप लगाओगे एडाप्टर तो आपको लाइट का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा मिल जाएगा। आप लंबा लाइट ले रहे हो तो लंबा आपको एडाप्टर करना पड़ेगा, उसके तरीके से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं आपको ऑन करके बताता हूँ इसका इंटेंसिटी कैसा आ रहा है। अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, ये अभी मैंने ऑन किया है तो इसका इंटेंसिटी आप देखोगे तो लगभग 3,500 से 4,000 के ऊपर जा रहा है। वो कैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। आप लक्स मीटर उसमें डाल दो, आपको मोबाइल ऐसा उल्टा रखना है उसकी तरफ। तो अगर मान लो आपका 2 इंच 1 इंच पे आपको 3,500-4,000 मिल रहा है तो आपको इतने नज़दीक आपको प्लांट रखने हैं, मतलब लाइट आपका इधर हो गया और प्लांट इतने नज़दीक हो गए तो तभी आपका ग्रो होगा। नॉर्मली लोगों को लगता है लाइट इनफ है तो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परफेक्ट कैलकुलेशन करो फिर ही लगाओ, नहीं तो आपका जितना भी आपने पैसा डाला है, जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया है, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आपका पहले लक्स मीटर से आप वैल्यू चेक कर लो, उसके बाद आपका लाइट कनेक्शन बिठाओ और प्लांट्स के नज़दीक लेके जाओ। अभी ये मैंने यहाँ पे जो जॉइंट किया है ये इसके ऊपर रखने के लिए जॉइंट किया है। वो तो कैसा मैं बताता हूँ अभी। तो ये अपना ट्रे रेडी हो गया, प्लांट्स रेडी हो गए। रोप इसकी वजह से लिया है कि आपको उसके ऊपर शीट रखना है, ये वाला शीट जो ब्लैक शीट हम लोगों ने, तो ये शीट मैं इसके ऊपर प्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये मैं प्लेस कर रहा हूँ अभी, ये मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके ऊपर मैंने ऐसा उल्टा रख दिया। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। यस, तो अभी मैंने इसको ऑन किया है तो ये आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है अभी नीचे से। अभी आपको डिस्टेंस दिख रहा है कितना नज़दीक रखा है मैंने लाइट, ये ऑलमोस्ट 2.5 इंच के करीब होगा, 2.5 इंच या 3 इंच रहेगा लगभग। तो इस तरीके से आप घर के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे। अभी इसको देखो, लीव्स को परफेक्ट लाइट मिल रहा है, ये दिख रहा है। यस, ट्रू लीव्स भी आने लग गया है, ये देखो कैसा सुंदर तरीके से दिख रहा है। तो लाइट बनाने के लिए इसके लिए आपको आज बता रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों के घर पे प्रॉब्लम रहता है, विंडो लाइट पे पार्शल लाइट आता है, प्रॉपर लाइट नहीं आता है। तो उनका हमेशा वो प्रॉब्लम रहता है कि मेरा प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है, लाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए घर के अंदर आ रहा है। तो उससे अच्छा है आप विंडो के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप घर के अंदर कम से कम पैसों में आप ये बना सकते हो, ये सबसे चीप तरीका है और प्लांट ग्रो भी हो रहा है इसके अंदर। तो आपको आज मैं प्रूफ दिखा दिया है कि ये लाइट्स के अंदर प्लांट ग्रो हो सकते हैं, सिर्फ आपको मेजरमेंट करना होगा लाइट का लक्स वैल्यूज कितना जा रहा है। तो परचेस करने से पहले, लाइट कोई भी परचेस करने से पहले दुकान में ही लक्स पहले चेक कर लो कि कितने नज़दीक में आपको अच्छा लक्स मिल रहा है, उसके हिसाब से आप LED स्ट्रिप ले लो। LED स्ट्रिप मैंने जो लिया है वो मॉडल है 5050, ये LED स्ट्रिप है। ये जो LED स्ट्रिप दिख रहा है ये 5050, ये LED स्ट्रिप। तो इस तरीके से आप दोस्तों ग्रो कर सकते हो घर के अंदर। इसके अलावा मैंने और एक्सपेरिमेंट किया है जो आपको पता रहेगा शायद, ओआसिस क्यूब। तो ओआसिस क्यूब ऐसे आता है, अगर आपको कोकोपीट में नहीं लगाना है, ओआसिस क्यूब कैसे होता है पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ओआसिस क्यूब रहता है, इसके अंदर पेन से हल्का सा होल किया है 2-3 mm तक, और इसके अंदर आप सीड डाल सकते हो। सीड डालने के बाद वैसे ही सेम 2 या 3 डेज आपको अंधेरे में रखना है, उसके बाद आपको लाइट्स के नीचे रखना है, उसके बाद अंदर से स्प्राउटिंग हो जाएगा और प्लांट्स आ जाएंगे जो ये है। ये देखो मैंने ये रेडी हो गए, अभी इसमें से स्प्राउटिंग से प्लांट्स भी आए हैं। तो आप ये ओआसिस क्यूब है, ओआसिस क्यूब को इस तरीके से आप लगा सकते हो, कोकोपीट या फिर ओआसिस क्यूब में आप लगा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप ये लाइक या शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि मेरा सीड्स तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन उसमें से प्लांट्स ही नहीं आ रहे, क्या करें, लाइट्स प्रॉपर नहीं है। तो लाइट्स के लिए आपको अच्छा सा मैंने आज एक एग्जांपल दिया है, घर के अंदर आप कम से कम पैसों में आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते रहिए एम्सो फार्म।